हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप घर पे रह के फेस स्किन को कैसा पा सकती हो। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, इसे यूज़ करके आपका स्किन फॉलेस और ग्लोइंग बनेगा और साथ ही आपका स्किन क्लीन, क्लियर और फेन बना देगा, ये अमेजिंग न्यूज़ का। सो चलो देखते ही इस प्रोसेस को। आपको चाहिए 2 फ्रेश टोमेटोज। अब ये टोमेटोज को हम ग्रेटर में डाल के स्ट्रेन कर लेना चाहिए। ये टोमेटोज को मैं ग्रेट कर रही हूँ, ग्रेट करके इसका पल्प निकालना है। ये टोमेटो में भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल रहते हैं। ये अपना स्किन को मॉइस्चराइज जैसा काम करके क्लीन, क्लियर और फेयर बनाने में बहुत अमेजिंग होता है। ये 2 टोमेटोस को अच्छे से ग्रेट करके ये टोमेटो का पल्प निकाल लेना चाहिए। अभी ये टोमेटो का पल्प तैयार हो गया है। अभी ये बल्ब को हम एक बॉल में लेना चाहिए। अभी ये टोमेटो का पल्प तैयार हो गया है। अभी ये टोमेटो का पल्प में 1 चम्मच शहद ऐड कर लेना है और इसमें 1/2 काटा हुआ नींबू का रस ऐड कर लेना है। इन सभी को अच्छा सा मिला लेना चाहिए। अभी ये टोमेटो का फेस वॉश तैयार हो गया है। मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ टोमेटो का पल्प जूस यूज़ कर चुकी हूँ। ये टोमेटो का पल्प में बहुत सारे मिनरल्स प्रोटीन्स रहता है। ये अपना इसमें एक्सेलेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स प्रोटीन्स रहता है। ये अपना स्किन को ओपन पोर से रिड्यूस करता है और अपना स्किन को क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग बनाने में टोमेटो बहुत अमेजिंग है और स्किन को क्लीन, क्लियर और एंगर लुक लेके आने में टोमेटो बहुत अमेजिंग होता है। अपना स्किन डिजीजेस को दूर करता है और स्किन को रिजुनेट करके ग्लोइंग और फॉलेस लुक लेके आने में टोमेटो का रस बहुत अमेजिंग है और ये अपना स्किन पे अप्लाई करने के स्किन को हेल्दी ग्लोइंग लुकिंग लेके आएगा टोमेटो का पल्प। और ये टोमेटो का पल्प में बहुत सारे वाइटामिन्स मिनरल्स रहता है। ये अपना स्किन को ब्राइटन और टाइटन करने में टोमेटो का रस बहुत अमेजिंग है। रॉ टोमेटो में प्रेवेंट्स ऑफ प्रोटीन्स रहता है। ये अपना स्किन पे डार्कनेस को और एक्नी, पिंपल्स को दूर करने में बहुत अमेजिंग है। ये टोमेटो में बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्यूटी बेनिफिट्स है। ये अपना लार्ज पोर्स को रिड्यूस करता है और एक्नी, रैशेस को क्लीन, क्लियर करता है और सनबर्न से भी बचाने में टोमेटो बहुत अमेजिंग है। और ये टोमेटो का पल्प डल स्किन को ग्लोइंग करेगा और टोमेटो में बहुत सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है। ये अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए टोमेटो का पल्प बहुत अमेजिंग है और टोमेटो में ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स रहते हैं। अपना स्किन को हेल्दी और शाइनी बनाता है टोमेटो और ये अपना स्किन के ब्लैक स्पॉट्स को दूर करता है और स्किन को पिंपल्स को रिड्यूस करता है और स्किन को एंगर और ग्लोइंग लुक लेके आने में ये बहुत अमेजिंग है। ये अपना सन टैन को रिमूव करने में भी ये टोमेटो रस बहुत अमेजिंग होता है और ये टोमेटो अपना स्किन पे अप्लाई करने से अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़ेगा और साथ ही अपना स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग बनेगा। और ये अपना टोमेटो स्किन को एक गुड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की जैसा काम करता है और ये टोमेटो का रस एक टोनर की जैसा काम करके पोर्स को टाइटनिंग करता है और साथ ही स्किन एजिंग को भी रिड्यूस करता है ये टोमेटो का पल्प। और मैं दूसरा चीज़ यूज़ कर चुकी हूँ शहद, हनी। ये हनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है। हनी अपना स्किन को ब्लीचिंग करके स्किन को ब्राइटन और टाइटन करता है और साथ ही पोर्स को भी क्लीन करके पोर्स को भी टाइटन और ब्राइटन करता है ये हनी। और ये हनी में विटामिन मिनरल्स रहते हैं। अपना स्किन को क्लीन, क्लियर और फॉलेस लुक लेके आने में बहुत मदद करता है ये हनी। अपना स्किन को एक्सप्लोइट करके एक्नी और ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है हनी। और अपना हनी स्किन को ब्राइटनिंग करके और सनबर्न से बचाने में भी है हनी एक अमेजिंग है। सिट्रिक एसिड रहता है इसमें, विटामिन सी, विटामिन ई रहता है। अपना स्किन को पिंपल्स को एक्नी से फाइट करता है और साथ ही इसमें न्यूट्रल प्रॉपर्टीज रहता है। स्किन ये सनबर्न से बचाने में बहुत अमेजिंग होता है और साथ ही ये पोर्स को भी, ओपन पोर्स को भी क्लीन करता है। ये पोर क्लीनिंग की जैसा काम आता है ए हनी।
और फॉलेस लुक लेके आने में ये नींबू का रस बहुत अमेजिंग है। अभी ये तैयार हो गया है ये फेस वॉश। आप ये फेस वॉश को एक केयर टाइप के कंटेनर में डाल के 1 से 2 हफ्ते तक इजीली स्टोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो आपका फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकते हो। इस वीडियो को कोई भी कॉमेंट हो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर लीजिए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। और अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीफ ब्यूटी एंड हेल्थ। आगे से और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके फिर मैं आपके सामने आऊँगी। जब तक के लिए बाय बाय। Thank you.